तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुमादी पर। मेरा नाम है पम्मी और आज मैं एक बार फिर से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ और वो भी हुडी पहन के। अगर आपको पता नहीं है कि मैं हुडी पहन के क्यों खेल रहा हूँ तो ये ओह माय गॉड कितनी लाइट आ रही है भाई। पक्का मेरे को यहाँ पर कर्टन्स 100% लगाने पड़ेंगे तो गेम खेलने एकदम बेकार है हमारे लिए। और गाइस आज मेरे को लॉगिन एक और चैलेंज दे के रखा है और आज के चैलेंज में मुझे उसका बेडरॉक वाला मैप जो है एकदम से एस्केप करना है। और आपको तो पता है भाई बेडरॉक मैप एस्केप करने में हाँ मैं एकदम हीरो बनते हैं। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइक का टारगेट रख रहा हूँ पूरे 90,000 लाइक्स। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो भाई, आपका पहुंचने वाला है 8 मिलियन पर। 10 मिलियन की रेस तो चाचू आपो ने जीतेगी। तो गाइस ये रहा मेरा बेडरॉक वाला मैप और ओ माय गॉड कहां पर तूने मेरे को बसा कर रखा है। खुद तो हवा के अंदर उड़ रहा है, तेरे को मैं मार भी नहीं पा रहा हूँ। चोमू बंदा क्रिएटिव के अंदर खेल रहा है यार, ये क्या करूँ मैं बता तो सही ना भाई। मैं यहाँ पर क्रिएटिव के अंदर खेल रहा हूँ और चलो भाई अभी भाई मैंने आपको बिल्कुल सही यहाँ पर ट्रैप कर दिया है और अभी आपको यहाँ से भाग निकलना है। नैदरॉड का आर्मर पहन के क्रिएटिव के अंदर खेल के चोमू गिरी कर रहा है वो भी मेरे साथ। अच्छा नाच रहा है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस ये लो। अरे मत मार, मेरी हेल्थ पहले से डाउन होने वाली है, मत कर भाई चोमू गिरी मत कर यहाँ पर। ओके तो गाइस मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पर लगा हुआ एक ऑब्सीडियन वाला ब्लॉक। अरे एक मेरे ऊपर नाइट वाला पोशन मार, मेरे को कुछ नजर भी नहीं आ रहा यार। अरे भाई मैंने पहले से मार के रखा है, एक मैं फिर से मारता हूँ भाई। कहाँ पड़ा चपेड़ वाला पोशन, ये लो तोड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया यहाँ पे करना क्या। तो लीजिए मेरे पास एक प्लैंक आ चुका है और अभी मुझे इस प्लैंक का बनाना पड़ेगा अपनी क्राफ्टिंग वाले टेबल के अंदर एक छोटा सा ओक का बटन और हम लगाएंगे ओक वाला बटन यहाँ पर। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। देखा कर लिया अपना खतरनाक दिमाग और पीछे यहाँ पर एक बार फिर से लॉक ने यहाँ पर बना के रखा है मौत का कुआं। अगर मैं नीचे गिरा तो भाई मेरी हड्डियां भी नजर नहीं आने वाली और ब्लॉक तोड़ने की धमकी मेरे को मत दे, मैंने तेरे को चपेट मार दी सर्वाइवल में आके, समझेगा तू। हाँ ठीक है भाई, आप ऑलरेडी सर्वाइवल में हो लेकिन मैं क्रिएटिव के अंदर हूँ। मेरे को छलांग मार रहे यहाँ पर। भाई बच गया भाई, यहाँ से निकलो। और भाई निकलते ही ये दरवाजा बंद कर देते क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चोमू बंदा अंदर आए और यहाँ से तलवार भी ले लेते हैं साथ में फ्रेम भी। तो फिलहाल अच्छा मेरे को फ्रेम नहीं मिला हुआ, मैंने ले लिया ये लो। ए तेरे को लाउड नहीं है चीजें देना। और अभी मैंने ऊपर देखा ऊपर एक बैरल सा पड़ा हुआ, तो अरे मैं छलांग मार के ले भी सकता हूँ। ये तो सोचा भी नहीं होगा। तो गाइस एक काम करते हैं, छलांग मार के बैरल की चीज एक्सेस करते हैं और यहाँ पर एक और नेदरराइट की सोट पड़ी हुई है, डबल सोट। मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे होने वाली है। और साथ में मेरे को मिले स्पाइडर्स के अंडे। अभी मेरे को यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, मेरे को ऊपर जाना लेकिन समझ नहीं आ रही मेरे को। तो काम करते सबसे पहले मेरे को अपना 200 IQ करो और सोचो कि आपको कैसे। अरे मेरे पास 400 IQ ब्रेन है और एक हिट में गाइस मैंने स्पाइडर को मार दिया और पहले ही मर रही है। चोमू स्पाइडर तेरे को तुझे तूने मेरे को मार रहा लेकिन ये खुद ही मार रहा है। तो गाइस स्पाइडर से काम करते हैं, मैं स्पाइडर्स को यहाँ पर बेडरॉक के अंदर फंसा फंसा के मारता हूँ। आधा डैमेज तो हमारा क्या निकली वहां से भाई, आधा डैमेज तो मेरा लॉग इन बेडरॉक ही कर रहा है। देख रहा ना भाई रिवर्स में आके मेरे पर हमला कर रही है, लेट्स गो। और अभी गाइस मेरे को एक ट्रिक समझ में आ चुकी है, मैं इसका यहाँ पर एक वुल ब्लॉक बना सकता हूँ क्योंकि चार अगर मैं ऐसे रखूंगा ना तो इसका बन जाएगा एक व्हाइट वुल का ब्लॉक, लेकिन फिर भी इनफ नहीं है ऊपर जाने के लिए। व्हाट कैसे करना है ये लॉगी भाई, आप कोई सोचो, तो देना। भाई आप सोचो आपके आसपास चीजें देखो भाई, आपके आसपास क्या है जो आप तोड़ सकते हो। बैरल तोड़ सकता हूँ लेकिन अगर बैरल तो बैरल बहुत ऊपर पड़ा हुआ है और बैरल के अंदर और कुछ भी नहीं है तो बैरल तोड़ना एकदम इम्पॉसिबल होगा। अरे रुक जा, मैं दरवाजा तोड़ सकता हूँ और एक ग्लिच है माइनक्राफ्ट के अंदर, तो मैं दरवाजे वाला ग्लिच करके उसके ऊपर चढ़ जाऊंगा और एक वुल का ब्लॉक लगा के सीधा पर। लेट्स गो बेमते, देख रहा लगे मेरा दिमाग आजकल कितना चल रहा है यहाँ पर। तो हम दरवाजा लगाएंगे यहाँ पर, तो गेस कर दिया। अभी मेरे को क्राउच करना है एंड क्राउच करके जंप। अरे चढ़ जाए इसके ऊपर, मुझे दरवाजा खोलना बंद करना और ऑटोमेटिकली मैं दरवाजे के ऊपर आ जाऊंगा। ओके अभी मेरे को छलांग मारने तो कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही ना, एकदम बढ़िया। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना वुल वाला ब्लॉक। लेट्स गो। साथ में मेरे को क्या मिला, इलाम के तौर पर खाली बाल्टी, दूध की बाल्टी रख लेता एटलीस्ट, खाली बाल्टियां मेरे को दे रहा है। अरे मेरा फ्रेम तो मेरे को वापस, चल मान मत ना। ये लो भाई अपना आइटम फ्रेम रख लो और ओके। आ जो क्या है राउंड नंबर 3। यहाँ पर क्या लिखा है, माइन दी ओर। ओके माइन दी ओर विद पिकैक्स, और पिकैक्स मेरे पास है नहीं और ये आयरन का ओर बना हुआ है और आयरन का ओर माइन करने के लिए मुझे एटलीस्ट आयरन की पिकैक्स तो चाहिए होगी। क्या करूँ मैं यहाँ पर, पानी बना हुआ है तो आई थिंक पानी के अंदर कोई ना कोई रास्ता होगा। तो दो रास्ते बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और मेरी हेल्थ भी कुछ ज्यादा कम हो चुकी है। थोड़ा खाना पीना देना भाई मेरे को, क्या कर रहा तू।
हूँ भाई, तूने चपेटे मार मार के तूने मेरी सारी हेल्थ काम कर दी, तूने पता ना तेरे को। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैंने आपको मारा तो ये लो, मैं आपको एक ब्रेड दे देता हूँ। एक कंजूसी की हद होती है यार, पूरा भंडार पड़ा होगा इसके पास। नहीं चाहिए मेरे को तेरा झूठा माल। ओके ऊपर चलना मेरे को स्विमिंग करके यहाँ से। अरे क्या बात है, ब्रेक दी लॉक। ओके तो ये तो ऑब्वियसली मैं इतनी दूर आया हूँ तो ये तो मैं तोड़ के जाऊंगा। और ऑब्वियसली गाइस मैं बेडरॉक वाला मैप खेल रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे को रिसोर्सेज एकदम से भरपूर लेवल के चाहिए होंगे। ये क्या लिखा है, ए यो। ओके तो उसको भी ले लेते हैं। और यहाँ पर बैम्बू पड़ा हुआ है, ए मेरे को समझ में आया, हम एक्चुअली बैम्बू कन्वर्ट कर सकते हैं स्टिक्स के अंदर। वो वैसे भाई दिमाग तो सही लगा रहे हो चपाती भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। इंटरेस्टिंग। अभी मेरे और मैं फंस गया और के। एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत बाहर रख के ना मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सांस ले लेता हूँ। काम करते हैं गाइस, ऊपर को तो मैं सारा पर्दा फाश करके आ गया, अभी मेरे को पर्दा जाके नीचे से फाश करना पड़ेगा। एंड अच्छा सुनो, चाहते ही चुप कर, मेरे को सुना मत। ओके ये क्या लिखा, रॉन्ग वे। ओके तो काम करते, भाई इसने मेरे को लिटरली डरा दिया, मेरे मुंह के ऊपर आ चुका चोकोस कैली। अरे अरे मेरी पूरी हेल्थ यहाँ पर जा रही है। अरे लॉगो तो मेरे को फूड ऑफर कर रहा था ना, देना भाई क्या कर रहा है भाई। ओह माय गॉड, भाई आपने तो इनकार कर दिया था मैं आपको नहीं दूंगा। ओके मेरी पूरी हेल्थ जाने वाली है, तो काम करते हैं, जो मेरे को मिल रहा है जहाँ से भी रिसोर्सेज मेरे को मिल रहे हैं मैं सारे उठाऊंगा। तो ये क्या लिखा, ओह यू फाउंड अ सीक्रेट रूम। अच्छा ये सीक्रेट रूम था, ओह माय गॉड मैं डर गया, मम्मी मैं डर गया। ओके समथिंग इज हियर। तो अरे मैं ये साइन उठा भी नहीं पा रहा यार, मेरे को हर एक चीज लेनी है। और ऊपर देख रहे हो चोमगिरी लॉगी की लावा रखा हुआ है यार। ओके काम करते हैं, ये बैरल खोल। अरे नहीं स्कैली हो, अरे आ जाओ भाई मैंने मार दिया सबको, मार दिया आ जाओ। ओह माय गॉड मैं सिर्फ एक हार्ट पे था, एक एक हार्ट में टाइम से निकल गया वहां पर। लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये ग्रेवल टाइप चीज पड़ी हुई है, इसको मैं हाथ से तोड़ सकता हूँ। और इसके पीछे फर्नेस, मामू मेरे को यही चाहिए था। और अगर मैं फर्नेस के ऊपर क्लिक करूं, मुझे पता था कि ये बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका यहाँ से होगा। और यहाँ पर फर्नेस के अंदर पड़े हैं तीन और, अभी तीन और स्मेल्ट करके हम इसकी बना देंगे एक पिकैक्स। लेकिन पिकैक्स कैसे बना लिया, अरे मेरे को याद है मेरे को यहाँ पर एक ओकवुड का वो लाइक लॉग मिला था, तो उसके मुझे बनाने हैं प्लैंक्स। प्लैंक्स को कन्वर्ट करो क्राफ्टिंग टेबल के अंदर और ये लगाएंगे यहाँ पर, और ये चीज हमारी पिकैक्स बनाने में एकदम से काम आएगी। दो स्मेल्ट हो चुकी है, लेट्स गो। पूरे रिसोर्सेज मेरे को सेव करने, तो एक साल मेरा एक्स्ट्रा बच्चा हुआ तो ये अपनी इन्वेंटरी के अंदर डाल लेते हैं, बाद में कभी काम आ सकता है मेरे को। तो यहाँ से ये चीज निकालो। और गाइस आपको पता है आप लिटरली बैम्बू की ना स्टिक्स बना सकते हो, आई डोंट थिंक ये लॉग को पता होगा। चोमू देख रहा है तो यहाँ पर, भाई ये मुझे पता था तभी तो मैंने रखी है। ऑब्वियसली ये बात भी सही है लॉगी की। और इसी के साथ गाइस मेरी आयरन की पिकैक्स एकदम से रेडी हो चुकी है, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो। और साथ में मेरे को दिख रहा है डायमंड का ब्लॉक। ओह माय गॉड आगे काम कैसे करते जाओगे, मुझे पता है भाई ये आपको कभी पता ही नहीं लगेगा। मेरे को समझ में आ चुका कि आगे कैसे जाना है, मेरे पास खाली बकेट दी थी ना, तो काम करते गाइस मुझे खाली बकेट की कोई ना कोई ट्रिक मारनी पड़ेगी। तो काम करते यहाँ से पूरा पानी, पानी का सोर्स कहाँ पर है, ये मिल गया मिल गया पानी का सोर्स। वो और नीचे स्केली से निकलो, यहाँ से निकलो निकलो निकलो, मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है और जहाँ से पानी का सोर्स निकाल लो। अरे काम करते हैं गाइस, मैं इतनी दूर आ चुका हूँ तो ये साइन भी ले लेता हूँ, बाद में अगर फिर से मेरे को फर्नेस फुर्नेस मिल गया तो ये साइन जलाने के काम आ सकता है। और अभी मेरे को पानी यहाँ पर डालना और पानी के अंदर से स्विमिंग करके भाई, आपको भाई एक ब्लॉक ऊपर डालना था आपको। ओके थैंक यू फॉर टेलिंग मी, लॉगिन मेरे को पता नहीं था। तो ओके तो ये पानी मेरे को यहाँ डालना और अरे मेरा पोशन खत्म हो गया, स्विमिंग करके मेरे को निकलना। अच्छा, है ये लो भाई कोना, फिर से पीछे से चपेट पोशन मारता हूं, हर से मेरे को निकलने नहीं दे यहां से। अबे स्विमिंग करना, स्विमिंग कैसे करता है ये पानी के अंदर, व्हाट द हेल कैसे हो रही है भाई। चपाती भाई सी दी, दिस इज गाइस चपाती भाई दी पीरो, स्विमिंग करना नहीं आता। अबे मेरे को स्विमिंग करना था, मेरे को स्विमिंग नहीं हो रही मुझसे यहां से। ओके स्पेस और अरे हो गई, बच गया। यहाँ पर लावा बना हुआ है, ओके तो मैंने गलती से, ये कौन सी चीटिंग है, आपने तो ये मैप पार कर दिया। अरे मैंने गलती से सही काम कर दिया, पानी यहाँ पर आया और ये सारा लावा जो है ऑब्सीडियन में कन्वर्ट हो गया। और अभी मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर कमांड ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो काम करते हैं एक्चुअली मेरे को देखना कि इस कमांड ब्लॉक से होता क्या है। लेकिन मुझे यहाँ पर प्रेशर पर रख के एक्टिवेट कैसे करना है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, और मेरे पास इन्वेंटरी के अंदर कुछ भी नहीं जिसको मैं यूज करके ये चीज एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ बेटे मेरे को मिल गया, ऊपर बैरल पड़े हुए हैं। ओके इसको यहाँ पर रखना है और इसकी मेरे को बनानी पड़ेगी एक छोटी सी प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट अपनी जाएगी यहाँ पर, यार पचैक पचैक। तो ये प्लानिंग थी, लॉगे मुझसे पार्कोरिंग करवा रहा है, तो देख ले लॉगे मैं तेरे से दो कदम आगे हूँ बेटे, मैंने लावा के ऊपर पानी डाल के
कुछ भी नहीं कर सकता। तो गाइस मैंने लावा के ऊपर पानी डाल के पूरे लावा को ऑब्सीडियम में कन्वर्ट कर दिया और देखो लावा के ऊपर कितनी सारी डंडियां दे रहा है। सब कुछ उठा लो क्योंकि आई थिंक गाइस ये सारी चीजें मेरी एस्केप करने में एकदम से काम आएंगी। कहां पर मैंने मिस कर दी, मेरे को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है लॉगी यहां पर। और अभी यहां पर कर क्या करना है, व्हाट द हेल, और मैं यहां पर क्या करना है वो आप मुझे बताओ, यहां पर आपको क्या करना होगा। तेरे चक्कर में मैं क्राफ्टिंग टेबल पीछे छोड़ के आ गया, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहां पर ऊपर जाने का रास्ता तो नहीं बना। राइट, फंस गया मैं यहां पर, मेरे को क्राफ्टिंग टेबल लेके आना था यार, तूने मुझे बातों में डाल लिया। गाइस की चौमिगिरी देखी इसने, मेरे को एक्चुअली बातों में डाला और मैं उन बातों में आके मैं क्राफ्टिंग टेबल लेना भूल गया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी सारी चीजें लेके जाता हूँ। ये देखो भाई मैं कैसे ऊपर जाऊंगा, ये देखो, ओ देखा मैं आ गया। भाई ये गलत बात है, मैं तेरी बातों में आ गया और मैंने क्राफ्टिंग टेबल लाना भूल गया। अभी तो मेरे को क्राफ्टिंग टेबल दे फटाफट, मेरे को पता नहीं है। अच्छा देता हूँ भाई, चपाती भाई भी सही चोमूगिरी कर रहे हैं भाई ये लो। तो यहाँ पर मेरे को रास्ता समझ में आ चुका है, मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी लैडर। तो आई थिंक मैं लैडर से यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। तो ये यहाँ पर वन, अरे मैंने ऊपर रख दी, एक दो और ये तीन, लेट्स गो। और यहाँ से अरे चलना ऊपर, और ये देखो यहाँ पे बटन पड़ा हुआ है, आई थिंक ये बटन मेरे को बाहर लेके जा सकता है। ये मैं कहाँ पर आ गया, अरे यार आप तो एंड तक आ चुके हो, ये कर क्या, प्रेस द बटन टू क्लेम योर सरप्राइज बेचे। मैंने बोल कर रखा था कि भाई हम बेडरॉक पार्क एस्केप करने में एकदम नंबर वन है, लेकिन अभी तो मैंने स्किप किया नहीं। आई थिंक गाइस जैसे मैं ये बटन दबाऊंगा ये सारे डायमंड्स के ब्लॉक नीचे आ जाएंगे और पटाखे शुरू और मेरे ऊपर बरसात होगी एकदम डायमंड्स की। हट जा। तो चपाती भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओके भाई बहुत ज्यादा मजा आपने किया, आपने नाइस, आपने कंप्लीट कर दिया, मैं जा रहा हूँ। मैं ये बटन दबाऊँ, ये भाग गया, आई थिंक कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट एनीवेज, तो अगर गाइस अगर तो नहीं, क्या उड़े आप आसमान में ले जाके इसने मेरे को फोड़ दिया, तो क्या ये मेरा सरप्राइज था क्या, व्हाट द हेल। लॉगी ने एक बार फिर से मेरे को ट्रोल कर दिया मैन, यार मेरे को लगा था कि कोई बड़ा सरप्राइज मेरे को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मोटिव ये था कि मेरे को बेडरॉक वाला मैप पार करना और हमने एक सेकंड के अंदर पार कर दिया बेटे। तो चलिए गाइस छोटी सी वीडियो में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया। अगर आपको भी मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।